नमस्कार जूम के सभी दर्शकों को। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज रक्षाबंधन है और सभी के घर पे रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, वैसे ही मेरे घर पे भी आज सेलिब्रेशन है और मेरी बहन शादी के 2 साल बाद मेरे घर पे आई है रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। तो चलो देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही है और आपको हम दिखाते हैं हमारा सेलिब्रेशन, हम कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। मुझे ये कहना है स्पेशली कि जितनी भी बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको स्पेशली ये रक्षाबंधन का त्यौहार इतना खास लगता है, क्योंकि जब हम ससुराल से आते हैं तो उसका एक्साइटमेंट और पहले के जो रक्षाबंधन की एक्साइटमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। वैसे मेरा ससुराल, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ससुराल में हूँ, मैं मम्मी के घर हूँ, ऐसा ही लग रहा है। बट मेरे जो 2 भाई है वो उधर नहीं है, डेफिनेटली उसकी कमियाँ हमेशा महसूस होती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ तो उनको भी मेरी कमियाँ महसूस होती होगी। जनरली हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते कि हमें क्या फील होता है, बिकॉज वो अगर हम शेयर कर लिए और एक दूसरे आँख में देख लिए तो शायद हम रो पड़ेंगे। तो ये फीलिंग हमारे लिए एक्सप्रेस करने के लिए ये त्यौहार है और इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं उधर से स्पेशली यहाँ पर आती हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। प्राउड मोमेंट मुझे हमेशा रहेगा जब भी उसने नुक्कड़ पे नाटक किया था, जब मीरा रोड स्टेशन पे, जब आजू बाजू वाले कोई भी नहीं देख रहा था, वो प्राउड फीलिंग सेम है जितनी अभी मुझे उसके मूवी लॉन्च पे हो रही है। तो ये बहनों को पता होता है कि तुम्हारे भाई में क्या कैपेसिटी है, वो किस लेवल तक जाएगा। जैसे मेरा छोटा भाई है, हर का करियर का एक जर्नी अलग होता है, ये भाई भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ ये करता है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन से आज हम इतने आगे बढ़ पाए। जैसे वो घर पे कंट्रीब्यूट करता है, घर पे भी केयर करता है, मम्मी की केयर करता है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी भी बोल सकते हैं जो मैं कहीं ना कहीं हुआ करती थी। तो वो चीज़ों को ये बैलेंस करता है अभी। तो मेरे लिए दोनों भाई उतने ही इम्पोर्टेंट है एंड मुझे है कि उन लोग हमेशा खुश रहे लाइफ में। इसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बोल दी। जो प्यार की बात है डेफिनेटली सच है, और जो एक्साइटमेंट है जो पहले होता था उससे ज़्यादा अलग है इस बार। हर बार तो ये चीज़ होती थी कि दीदी घर पे ही होती थी और हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इस बार ऐसा है कि दीदी ससुराल से आ रही है और हम कहते नहीं हैं एक दूसरे को कभी भी, हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं, एक शाय फीलिंग या एक ऑकवर्डनेस होती है जो हमें लगता है कि हम अपनी बहन को ऐसे कहें कि मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, ये थोड़ा फिल्मी साउंड करता है। बट ऑनेस्टली दीदी की कमी महसूस होती है, मुझे वो फ़र्क पता है कि दीदी जब घर पे हो, किसी बहन का घर पे होना, ना कि सिर्फ दीदी का, और किसी फीमेल पर्सन का घर पे होना और उसका घर पे ना होना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर मैं महसूस करता हूँ, मैं सचमुच फील करता हूँ, और हम फिर भी कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसी मेरी बहन है, आई थिंक सबको ऐसी बहन मिले और उन्हें भी पता चले कि कितना गर्व महसूस होता है, कितना सुकून मिलता है, और घर पे बहन होने का एक ऐसी फीलिंग है जो आई थिंक शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप दोनों को या मम्मी को कोई कमी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं वहाँ पे होती हूँ पर मेरी सारी फीलिंग्स यहाँ पे होती है। जैसे मम्मी कभी कभी चिल्लाती भी है कि तू उधर का ध्यान रख, इधर का मत ध्यान रख। तो मैं इतने ज़्यादा आशीर्वाद छोड़ के गई हूँ इस फैमिली में कि कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। सो हमेशा ये घर खुश रहेगा। जैसे बहुत प्राउड वाली ये बात बता रही हूँ कि भाई ने इतना ज़्यादा केयर किया है कि मम्मी को गाड़ी सिखाई है उसने। ये
मतलब एक गाड़ी सीखना बहुत नॉर्मल बात है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गाड़ी सीख ली तो बहुत बड़ा अचीव कर लिया, पर आपको ये देखना चाहिए कि कोई इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे हमने जहाँ से जर्नी चालू की, हमने गाड़ी सोचा भी नहीं था कि हम कभी सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे। आज मम्मी गाड़ी चला के मुझे लेने आई थी आज राखी के दिन। सो ये प्राउड मिले एंड ऑल बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन जब फैमिली में होता है और यहाँ के ऐसी कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें पता चलती है कि ओ भाई भाई ने सिखाई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये मैंने मुझे हमेशा से मीडिया में ऐड करना था एंड ये रक्षाबंधन का त्यौहार था तो मैंने ऐड कर दिया। यस, मम्मी हर बार सोचती है कि मैं ऐसे बोलूँगी, विशाल देख मेरे दिमाग में इतनी इतनी बातें हैं, जब मीडिया में या कोई भी गेस्ट अपीयरेंस होगा जहाँ पे मुझे माइक मिलेगा तब वहाँ पे मैं ये बातें बोलूँगी XYZ। बट देखो अभी देखो हो गया ना, स्पीचलेस हो गए ना मम्मी। ये माइक ऐसी चीज है ना, बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है। लोग रखे हैं बोलने के लिए। अरे बहुत बोलती है कि मुझे हर जन्म में ऐसा बेटा मिले, और बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू घूमने जा, तू बहुत अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जा, तुझे और भी कुछ गिफ्ट चाहिए तो मैं देती हूँ, तो मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी, तू रात को भले ही 3 बजे आ जा घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सुबह 12 बजे उठेगा उससे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तू खाने पे ध्यान क्यों नहीं देता उसके लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सिर्फ काम अच्छा करता है बाकी सब में एकदम जीरो है, वो भी मैं बोलूँगी, ये भी बोला था उन्होंने। उसने कहा है कि 30 के बाद मैं सोचूंगा, तो अभी देखते हैं 30 के बाद वो क्या बोलना चाहेगा। अभी 29 हो चुका है, एक साल है उसके पास, एक साल फ्रीडम है उसके बाद मैं भी गया उसके बाद। हाँ ये अच्छा गिफ्ट था। हाँ जैसे बहू आएगी तो बेटी जैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सब बिगड़े हुए हैं, तो वो आएगी, अगर बिगड़ी हुई भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेट उठ रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, खाना नहीं बनाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। सो अगर कोई भी आपको पसंद है तो आप बोल सकते हो, अगर शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे कोई है वापस कड़ी जो इन सबको ज्वाइन करके रख रही है। स्वयं क्या बोलते हैं वो, स्वयंवर होता है वैसे, स्वयं बहु होता है, स्वयंवर नहीं तो लड़कों के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होता है लड़कों के लिए। अरे कुछ रखो यार, कुछ नहीं होता तो कुछ रखो। अभी देखो मैंने ओपनली बता दिया कि 30 के बाद मैं मैरिज प्लान करूंगा, तो अगर आप में से कोई भी वैकेंसी खाली है, हो सकता है ढूंढ के रखी हो, पॉसिबल, यू आर राइट। तो लड़की एक ध्यान में तो है मेरे, एक लड़की पसंद भी है, बट अभी फिलहाल सबके सामने ये बोलना ठीक नहीं रहे, शादी के बारे में नहीं सोचा है, पर बाकी बहुत कुछ सोचा है। Zoom के सभी दर्शकों को हैप्पी रक्षाबंधन।